नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लास। की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। क्योंकि बेटा, सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि बेटा आपके आने वाले एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। इनमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें आपको राइट आंसर छाटना है कि भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, जो कि हमारी आउटपुट डिवाइसेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। भैया किसमें ऐसे कमांड होते हैं जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है, किसमें होते हैं भैया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बटन में। बटन में ऐसे कमांड होते हैं जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईटी का पूरा रूप क्या है? आईटी का पूरा रूप क्या है भैया? आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। बेटा बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। आईटी का पूरा रूप क्या होता है? तो आईटी का पूरा रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना निम्नलिखित में समान है भैया, ईमेल भेजना किसके समान होता है? ईमेल भेजने का वर्क क्या होता है, ईमेल भेजने का कार्य क्या होता है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पत्र लिखना। ईमेल पे हम लेटर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पत्र लिखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा सिलेक्ट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। बेटा कौन सा कलेक्शन हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्लॉपी। क्या होता है? फ्लॉपी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एरर को भी कहते हैं, एरर को भी कहते हैं बेटा, एरर को हम क्या कहते हैं? एरर को भी हम, एक दूसरा नाम होता है इसका, उसको हम क्या कहते हैं? एरर को हम क्या कहते हैं भैया? क्या होता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए इज द राइट आंसर, बग। एरर को भी हम बग भी कहते हैं। क्या बेटा? एरर को बग भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीबोर्ड की किस प्रकार की साधन है? कीबोर्ड किस प्रकार का साधन भैया हमारा? कीबोर्ड हमारा किस प्रकार का साधन है? कीबोर्ड का यूज कब करते हैं? इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर में सिस्टम में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो भैया इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ड प्रोसेसिंग। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड का वर्क होता है वर्ड को टाइप करना, ठीक है, टेक्स्ट को टाइप करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन भैया क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? इनमें आपको चार ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? जो हमारा इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, में जोड़ना घटाना गुणा करना और विभाजित करना शामिल है। अर्थमेटिक ऑप्शन में, ऑपरेशन में भैया में जोड़ना भी होता है, घटाना और गुणा करना, विभाजन करना शामिल होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद मदद करता है? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है भैया? राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिस्क ड्राइव। क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, कौन होता है हमारा? डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं बेटा, अभी तक आप अपने परिवार के मेंबर नहीं बने हो, परिवार के सदस्य नहीं हो, अभी तक परिवार में जुड़े नहीं हो, अपनी क्लास को जुड़े नहीं हो, अपने परिवार के साथ जुड़े नहीं हो, भाई जुड़ जाइए। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। टॉप सीरीज के निकाल कर, टॉप क्वेश्चन को निकाल कर मैं आपको क्वेश्चन लाता हूं, टॉप क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, ठीक है। अभी तक आपने अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े हो, परिवार के सदस्य नहीं बने हो, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भैया कर लीजिए, अपना ही परिवार है, अपना ही चैनल है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है,
इंटरनेट पर सर्वर में सूचना पाने के लिए कंप्यूटर में प्रोसेस को कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डाउनलोडिंग। क्या होता है हमारा? डाउनलोडिंग, जो कि हमारा सर्वर से सूचना पाने में कंप्यूटर के प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमांड में अमल की प्रक्रिया है। कमांड में अमल की प्रक्रिया है, कमांड में अमल की प्रक्रिया है बेटा, क्या प्रक्रिया है कमांड में अमल की? इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्यूटिंग। क्या होता है? एब्सोल्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा अपना कमेंट किया करो कि आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया है, मुझे देखना है मेरा हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर बहन, हर भाई मेरा कितना क्वेश्चन राइट कर रहा है। ठीक है, मुझे तो भाई उम्मीद है कि मैं हर विद्यार्थी हर छात्र मेरे सभी के सभी क्वेश्चन उड़ा देगा, सभी के सभी क्वेश्चन उड़ा देगा, बट मुझे देखना है मेरा विश्वास कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अपना कमेंट कीजिए कि बेटा आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक मार लीजिए बेटा, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नोटबुक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नोटबुक, जो कि हमारे सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नोटबुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इनमें चार ऑप्शन दिए भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है भैया? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीपीयू। सीपीयू जो कि सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना बताती है उसे कहते हैं। अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेटा हम कहते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रोग्राम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर है? इनमें मैंने आपको चार ऑप्शन दिए, इनमें आपको राइट आंसर बताना बेटा। निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर है? क्या होगा इसका राइट आंसर बेटा? इसका राइट आंसर आपको बताना बेटा, हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं बेटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो होता है मोजिला फायरफॉक्स, जो कि हमारा एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटर लैपटॉप में नामक कमांड की नहीं होती है। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटरों एंड लैपटॉपों में नामक कमांड की नहीं होती है बेटा, कौन सी राइट आंसर इसका होगा भैया? कौन सा राइट आंसर इसका होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टर्नओवर, जो कि हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में नहीं होती है। ठीक है, की नहीं होती है, तो टर्नओवर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया हमारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल, क्षमा कीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी सात शब्द या वाक्यांश में सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढने हो तो कमांड का प्रयोग करना चाहिए बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि आप अगर वर्ड यूज करते हो तो मुझे आपका इसका राइट आंसर आपको पता भी होगा। अपना कमेंट कीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना कमेंट किया करो, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सबसे सरल तरीके से ढूंढने हो तो कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए भैया? किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फाइंड कमांड का प्रयोग करने के बाद हम किसी भी शब्द को या वाक्यांश को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। किसका? फाइंड कमांड का यूज करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्न में कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बेटा? इसका राइट आंसर बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है? जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया आपको इसका राइट आंसर दिख भी रहा है, क्या होगा? अब तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट तो अब तो कर दीजिए भैया, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर, रिटर्न एंड इंटर। रिटर्न और इंटर, जब भी कोई कमांड सूचना एंटर की जाती है तो रिटर्न एंड इंटर की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिटर्न एंड इंटर, दिख ही रहा है आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन है, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आई बेटा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो बेटा, क्या आपको किस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आई है कंप्यूटर से संबंधित, आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है? जाते आते मैं एक बार फिर से कहता हूं, अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अभी तक आपने नहीं किया है तो एक काम कर लीजिए, इसको करना मत भूलना, इसको करना मत भूलना, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, ठीक है? तो जाते आते दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।